नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है सामने। यहां पर आपके लिए बहुत खुशखबरी की न्यूज है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे थंबनेल के माध्यम से कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 26,200 पद खाली पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी लिस्ट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि टोटल जो राजस्थान पुलिस में खाली पद है वो 26,270 पद है। लेकिन बात चल रही है यहाँ पर राजस्थान पुलिस में लगभग 11,000 पदों के लिए, 11,500 पदों के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर बहुत अधिक न्यूज़ चल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस में हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है राजस्थान पुलिस महानिदेशक की तरफ से कि राजस्थान पुलिस में 26,200 पद रिक्त है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से ज़िले में कितनी पद रिक्त है। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए हम तुरंत वीडियो बनाएं और हम आपसे व्हाट्सएप में जुड़े रहेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग हमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट के माध्यम से हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको व्हाट्सएप नंबर के जरिए कोई भी सूचना हो तुरंत आपको भेज दें। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, हमारे पास जो लिस्ट है राजस्थान पुलिस की साइट से हमने डाउनलोड किया गया है। उसको डाउनलोड कब किया है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखो टाइम भी है इसमें 30 जुलाई, आज का टाइम है 30 जुलाई 2019। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं लिस्ट में टोटल पदों की, कितने पद खाली है और किस जिले से कितने पद खाली पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल पद देखो 26,270 पद खाली हुए हैं राजस्थान पुलिस में। टोटल वैकेंसी है खाली पदों की राजस्थान पुलिस में। तो यहाँ पर सबसे पद किस जिले में खाली है, तो यहाँ पर देखो उदयपुर में 1498 पद खाली है दोस्तों यहाँ पर नीचे। इसके बाद नागौर में 1112 पद खाली है। तो अपने जिस ज़िले में आप हो उस ज़िले का भी देख सकते हो, इसमें सभी ज़िले हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल 44 डिस्ट्रिक्ट है, 44 वो है मुख्यालय है ज़िले जहाँ पर रिक्त पद है। यहाँ पर देखो इसमें वैसे 33 ज़िले हैं लेकिन कुछ ग्रामीण थाने भी दे रखे हैं, कुछ शहरी है जहाँ पर कितना है, मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर कितने पद खाली है। देखो अजमेर में यहाँ पर 864 पद खाली है, अलवर में यहाँ पर 1067 पद खाली है दोस्तों, 12 में यहाँ पर 432 पद खाली है। देखिए हमारा जो वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अधिक नॉलेज की जानकारी इसमें मिलेगी और राजस्थान पुलिस से जुड़ी पूरी न्यूज़। तो हमने ये डाउनलोड किया है राजस्थान पुलिस की साइट पर, अब हम आपको ले चलते हैं इसको डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर जाकर राजस्थान पुलिस की साइट पर विजिट करना है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की साइट खोलनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस की साइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों। अगर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ चाहिए, अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो कॉमेंट के माध्यम से हमें सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए ताकि जो भी हमारे पास जो भी न्यूज आए हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू आप तक उसके पहुंचा दिए। यहाँ पर देखो वीडियो बनाने में बहुत अधिक टाइम लगता है हमें, तो इसीलिए हम आप चाहते हैं कि आप हमें हमसे व्हाट्सएप से जुड़े रहे दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ पर न्यूज क्या खबर है हमारे सामने। यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर विजिट करना है, ये हमारे राजस्थान पुलिस की साइट ओपन हो चुकी है हमारे सामने। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर बाएं हिस्से पे यहाँ पर अवार्ड टू यूज, तो यहाँ पर देखो बैट कांस्टेबल, हमें इस लिंक पर क्लिक करना है बैट कांस्टेबल पर। तो यहाँ पे हमारे सामने जो लिस्ट है वो टोटली लिस्ट हमारे साथ ओपन हो जाएगी दोस्तों हमारे सामने। ये देखो यहाँ पर टोटली राजस्थान पुलिस के जो कितने पद खाली है, टोटली हमारी जो लिस्ट है यहाँ पर खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पर टोटल 26,270 पद रिक्त है। किस पद से कितने रिक्त है, ये जो अभी भी राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने अभी इस पर डाउनलोड किया है दोस्तों, अभी तक आप लोगों के लिए इसको पता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो
टोटल पद भी मिल जाएंगे, 26,270 पद खाली है। और जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए राजस्थान पुलिस का आए यूट्यूब पर नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको इसी साइट पर विजिट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो रिकॉर्डमेंट और रिजल्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी डिटेल है आपके सामने हो जाएगी। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो। जी हाँ, धन्यवाद, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लगी होगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जान कह सकते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप से जुड़े रहे दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।